फाइनली गाइस नेटफ्लिक्स पर एक धमाकेदार कंटेंट आ चुका है जिसका आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। सीरीज का नाम है ब्लैक नाइट। और गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि कैसे आजकल लड़कियां कोरियन एक्टर्स के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। सो मैंने इस सीरीज को देखकर खत्म कर लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है और आपको अपना कीमती वक्त इस सीरीज को देना भी चाहिए या नहीं। सीरीज की बात करते हैं, सीरीज में सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं जो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गए। और इस सीरीज की स्टोरी लाइन यह है, एक उल्कापिंड धरती पर आकर गिरता है और सारी पॉपुलेशन को खत्म कर देता है। गिनती के सिर्फ 2% लोग बचते हैं जो किसी तरह जी रहे होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर सांस लेने लायक नहीं बचा, हवा में पॉल्यूशन बढ़ चुका है। अब इसमें रोल आता है किम वू बिन का, जो इसमें मेन कैरेक्टर है और जिनका नाम है 5-8, जो एक डिलीवरी बॉय है और जिनका काम है ऑक्सीजन लेके लोगों के घर डिलीवर करना और उन्हें बचाना। पर गाइस इसमें डिलीवरी बॉय का मतलब डिलीवरी बॉय नहीं है, ये कुछ अलग है, क्योंकि ये वाला डिलीवरी बॉय बनने के लिए हाईली ट्रेन्ड कमांडो से भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो रेफ्यूजीज हैं वो आए दिन ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी के लिए ट्रक पर हमला करते रहते हैं। ऐसे में उसे ट्रक को और ऑक्सीजन को बचाने की जिम्मेदारी डिलीवरी बॉय की होती है, और डिलीवरी बॉय भी कहना गलत रहेगा, एक्चुअली डिलीवरी मैन की होती है। सो ऐसे में अगर कोई ट्रक पर हमला करता है तो डिलीवरी मैन ही वो है जो उन्हें निपटाता है और ऑक्सीजन को उनसे बचाता है और उसे मंजिल तक ले जाता है। और कहानी के दूसरी तरफ देखे तो गवर्नमेंट के अंदर एक वाहियात सा लीडर है जो रेफ्यूजीज को तो मार ही रहा होता है, साथ में बच्चों को किडनैप भी कर रहा होता है। और इस सीरीज का मेन कैरेक्टर 5-8 इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है। अब वो ये सब कैसे करता है आप सीरीज देखकर जानिए। ओवरऑल अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो इस सीरीज को आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक भी एडल्ट सीन नहीं। रही बात इस सीरीज के कॉन्सेप्ट की तो वो काफी अच्छा है, और जो एक्शन सीक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे वो कमाल के हैं। और अगर बात करें इस सीरीज के नेगेटिव्स की तो पहला, सीरीज के कैरेक्टर से आप ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। दूसरा, इसमें स्टोरी तो बता दी कि उल्का पिंड के गिरने की वजह से धरती की हवा सांस लेने लायक नहीं बची, पर इससे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। और तीसरी मैं कहूंगा कि सीरीज की एग्जीक्यूशन थोड़ी लो है, मेकर्स चाहते तो इसमें और दम डाल सकते थे। पर गाइस सच में सीरीज इतनी बुरी नहीं है, काफी अच्छी है, देखने लायक है, और मैं तो कहूंगा कि आपको एक बार ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। और अगर आप के ड्रामा लवर है या कोरियन एक्टर के फैन हो तो कोरिया के धासु एक्टर किम वू बिन के लिए इस सीरीज को देखना तो बनता है। गाइस अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।